हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं 500 सब्सक्राइबर की पार्टी के लिए। तो इतना मज़ा आने वाला है ना, इस बार होटल में पार्टी करेंगे। तो आप लोग भी चलोगे ना हमारे साथ? पक्का चलोगे ना? तो चलिए हम लोग तो चलेंगे। तो पहले मैं आपको अपना आउटफिट तो दिखा दूँ। तो ये है मेरा टेंटन वाला आउटफिट, देखिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक तो कर ही देना। चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बता नहीं कौन सा इंसान था जो हवा की वजह से झूल रहा था। बेचारा बहुत तड़प रहा था झूलते झूलते, पर हंसी रहा था। देन ये अभी हम चल रहे हैं। तो हम जाना था बीकानेर, तो वहाँ पर गए तो पता चला कि वहाँ पर तो खाने ही नहीं मिल रहा है भाई खाने के लिए, क्योंकि गाइस अभी दिवाली के हम जस्ट बाद आए। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि होटल में साफ़ सफाई चल रही है, तो आप बस यहाँ से कुछ स्वीट्स ख़रीद सकते हैं, चॉकलेट वॉकलेट आइसक्रीम और कुछ नहीं। और ये देखिए, यहाँ पर मिले इतने सुंदर सुंदर टेडी बियर, मैं आपको बता नहीं सकती। देन हम आ गए दूसरे वाले होटल में, तो चलो वहाँ कुछ तो खाने को था। तो आए तो मेरा मन उतना नहीं कर रहा था खाने को, वो आपको पिछली वीडियो में पता चलेगा जिसमें इसके बाद भेजने वाली हूँ। तो आपको बता रही हूँ कि चीज़ बर्गर मंगा रहे हैं, पनीर बर्गर बना रहे हैं और बहुत सारे रसमलाई और कॉफ़ी वॉफ़ी मंगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रसगुल्ला वसगुल्ला कुछ भी नहीं था। ये भी लोग वही कह रहे थे और बड़ी मुश्किल से माने। तो ये आ चुका है, मेरे भैया ने मंगाया था जो पनीर बर्गर, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरा आ चुका है चीज़ बर्गर, जो कि बहुत टेस्टी था। अच्छी बात, मैंने चीज़ मंगाया। तो ये देखिए, एकदम पूरा लाइक नूडल्स टाइप था ना, इतनी हंसी आ रही थी मुझे इसे देख के। और मेरा भाई जैसा खा रहा था उसको देख के बहुत हंसी आ रही थी। देन ये जब मैं खाने लगी तो आप खुद ही देख के हंसोगे, मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, ये देखिए नूडल्स टाइप निकल रहा था, मैं खुद परेशान थी लोग क्या कह रहे होंगे मुझे, पर कोई बात नहीं, अब खा लेते हैं इसी। तो गाइस मैं पता नहीं कैसे खा रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और मेरे भाई कहते हैं जैसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा मेरा बहुत अच्छा है भाई, मुझे नहीं करना शेयर किसी से। पर तब भी मैंने थोड़ा बहुत दिखाया कि चलो कर लेती हूँ। तो फिर वैसे मन नहीं था खाने को, तो मैंने करा। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा बाट खा गया एक ही बार में। तो मुझे अपना शेयर करने को कह रहा है, मैंने इतू सा बाइट खाया है, बस इतू सा, बहुत कम खाया था। तो फिर उसके बाद बस ऐसी था होटल में इधर उधर का माहौल। और मैं लगाने लगी तो सॉस, में सॉस अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा, वो भी मतलब वो टमाटो केचप का किसान का अच्छा लगता है, और कोई सा भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम खाने लगे यम 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 करते करते करते। और फिर थोड़े के बाद मम्मी पापा को भी तो कुछ खाना डर है यार, तो फिर उन्होंने मंगाई रस मलाई। मुझे तो भाई रस मलाई बस सुनने में अच्छी लगती है, बस खाने में मैं देखा ना पहली बार इतनी गंदी, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, पेट पूरा फुल हो गया था, इतनी सी भी जगह नहीं थी। मेरे भैया को पता नहीं कहाँ से इतना दम आ गया कि खाने का, वो बस खाया जा रहा था। और फिर मम्मी पापा भी हमारे खाने लगे एंड कॉफ़ी की कुछ चुस्कियों के साथ। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी मेरा देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को वायरल कर दो यार प्लीज़। तो यही मम्मी पापा ने खाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक मी।